दोस्तों जियो स्कूटी लेकर के आ चुका है 2021 का न्यू मॉडल स्कूटी। आपको बता दें दोस्तों 2021 का न्यू मॉडल जियो स्कूटी लॉन्च कर चुका है मुकेश अंबानी की तरफ से। मुकेश अंबानी जी का कहना है दोस्तों कि भारत में जितने भी लोग जो है गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, जिनका जो इनकम है दोस्तों वो 5 लाख से कम है सालाना, उन सभी लोगों को यहाँ पे 20,000 रुपये में जियो इलेक्ट्रिक स्कूटी मिलेगा, जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है। तो इलेक्ट्रिक स्कूटी आपको कई वर्जन में यहाँ पर मिल जाएगा। 25 से ज़्यादा मॉडल यहाँ पे लॉन्च किया गया है जियो की तरफ से। जियो का कहना है दोस्तों कि भारत में जो है वो विदेशी कंपनी अपना मार्केट जो है सो काफ़ी ज़्यादा एक्वायर करके रखा है। कहने का मतलब है दोस्तों कि जियो स्कूटी जो है वो पूरा इंडिया का होने वाला है और इंडिया में इसका मैन्युफैक्चर हो रहा है। फिलहाल यहाँ पे गुड़गांव और मुंबई में ये मैन्युफैक्चर किया जा रहा है और बनाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जियो स्कूटी लाया है बहुत ही बढ़िया बढ़िया धमाकेदार ऑफर। और आपको बता दें ये जियो स्कूटी अगर 20,000 रुपये में आप लेना चाहते हैं तो आपको 20,000 रुपये में मिल जाएंगे। उसके लिए आपको एक आधार कार्ड होना चाहिए, क्योंकि जो लोग का आधार कार्ड है दोस्तों उन लोगों को आधार कार्ड से क्या होता है कि सारा डिटेल पता चल जाता है कि वो अमीर हैं या गरीब हैं या फिर क्या है। तो सारा कुछ यहाँ पता चलने के बाद ही जो है सो जियो स्कूटी आप सभी लोगों को मिलेगा। तो जियो स्कूटी लेके आ चुका है बाहर, आप सभी लोगों के खुशियों की बाहर लेकर के आ चुका है दोस्तों। आपको बता दें जियो स्कूटी ज़रूर एक बार लीजिएगा, क्योंकि जियो स्कूटी आपको स्टैंडर्ड मॉडल यहाँ पर लॉन्च कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर इंडियन मार्केट में का मचाने के लिए जियो स्कूटी यहाँ पे लॉन्च किया गया है। जियो स्कूटी दोस्तों हमारा इंडियन प्रोडक्ट है, स्वदेशी प्रोडक्ट है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यूज करना चाहिए, खरीदना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने के लिए दूसरे लोगों को आकर्षित करना चाहिए, ताकि जो है जियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो और हमारे इंडिया का प्रोडक्शन ज़्यादा हो, ताकि इंडिया का हमारा जो ग्रोथ है दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। क्योंकि मुकेश अंबानी को आपको पता होगा कि हमारे मोदी जी से मिल करके काम कर रहे हैं और वो लोग सभी लोग जो जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं सभी लोग मोदी जी से मिल करके काम कर रहे हैं कि देश को ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा मतलब आगे कैसे ले जाएं, जैसे कि अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, जापान, यूरेशिया, ये सारा जो देश है दोस्तों काफ़ी इंडिया से काफ़ी ज़्यादा आगे है। वहाँ पे तो अभी 6G 7G चल रहा है, यहाँ पे मात्र हम लोग 4G अप्लाई यूज कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर मुकेश अंबानी की जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बाय करेंगे, जैसे जियो स्कूटी अभी आ रही है मार्केट में, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोग बाय करेंगे तो उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू, ज़्यादा से ज़्यादा उनका इनकम जनरेट होगा। तो क्या होगा कि हमारे देश का विकास होगा। जल्द हमारा जो है 5G भी लॉन्च करेंगे, उसके बाद 6G लॉन्च करेंगे। इस तरह से नए नए मोबाइल, नए नए गैजेट लॉन्च करेंगे और हमारा देश का विकास होगा। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है दोस्तों मुकेश अंबानी जी कि हमारे जो भी प्रोडक्ट हैं सभी लोग यूज कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट सेल होगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देने की भी कोशिश करेंगे। तो आप लोग के पास एक ये भी मौका है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को रोज़गार मिलेगा। जियो स्कूटी जो वहाँ पर बन रहा है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग वर्कर वहाँ पर काम कर पाएँ और हमारे देश का विकास हो और आपका भी विकास हो। तो इसी के साथ दोस्तों एक बार फिर से कहना चाहते हैं जियो स्कूटी लेकर आ चुका है आप सभी के लिए खुशियों की बाहर। एक बार जियो स्कूटी जरूर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, किस स्टेट से, और आपके स्टेट में शोरूम ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हमें जरूर बताइएगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करेंगे और आपके स्टेट में आपके राज्य में जो है सो शोरूम ओपनिंग करवाने के लिए हम कोशिश करेंगे। तो आप अपना डिटेल फिल जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों। और आज के लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि जियो कंपनी के मालिक कौन है, मुकेश अंबानी या फिर अनिल अंबानी। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके नीचे आंसर बताना है कि जियो कंपनी के मालिक कौन है। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।